रिमिंग क्या है, रिमिंग की फैंटेसी क्या है, रिमिंग क्या होता है, क्या आप लोगों को रिम जॉब करना पसंद है, ये एक्चुअली क्या शब्द है और इसमें होता क्या है, डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक सेक्स काउंसलर और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आप तक देने की कोशिश है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और ऐसी वीडियोस के लिए बहुत जरूरी है कि आप मुझसे कनेक्टेड रहें। तो चलिए, हम बात कर रहे थे रिम जॉब या रिमिंग फैंटेसी के बारे में। ये एक इस तरह का प्लेजर है जो लोगों को ओरल एनल एरिया पे करना पसंद है, मतलब मुख मैथुन गुदा के पास करने की फैंटेसी को हम रिमिंग कहते हैं। रिमिंग की फैंटेसी को हम एनालिंगस भी कहते हैं। ये फैंटेसी दोनों सेक्स के लोग, मतलब मेल और फीमेल, एंजॉय करते हैं। ये ऐसी फैंटेसी है जो यूजुअली मेल विद मेल सेक्स पार्टनर्स उनको पसंद है। इसमें हम पेनिट्रेशन भी कर सकते हैं, मतलब टंग को एनल एरिया में इंसर्ट भी कर सकते हैं, आसपास लिक कर सकते हैं, सक कर सकते हैं। और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा साइंटिफिक लॉजिक है। जैसे हमारे क्लिटोरिस, मतलब फीमेल के योनि के आसपास का एरिया होता है, या फिर मेल्स में पेनिस पे जो फीलिंग्स होती हैं, ऐसी एग्जैक्ट फीलिंग हमारे एनल एरिया के आसपास आती हैं। अगर हम उस एरिया को विद द कंसेंट लिक या सक करते हैं तो डेफिनेटली वो आपको रिम जॉब, जैसे पेनिस पे हम ब्लो जॉब बोलते हैं, ऐसे हम उसे रिम जॉब का नाम देते हैं। रही बात कॉम्प्लिकेशंस की, तो यस, ये आपको बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को दे सकता है, जैसे क्लमाइडिया, जेनाइटल हर्पीस, गोनोरिया, एचपीवी वायरस एंड साइफिलिस। ये एक तरीके का सेफ सेक्स इन टर्म्स है कि भाई आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है इस तरह के सेक्स से। और एक बार आप रिम जॉब के बाद मे बी आप चाहें तो पेनिट्रेटिव सेक्स भी कर सकते हैं अपने मेल या फीमेल पार्टनर के साथ, क्योंकि रिमिंग हर जेंडर के लोग इंजॉय कर सकते हैं। रही बात कुछ प्रिकॉशंस की, तो सबसे पहला प्रिकॉशन ये है कि आपने अपने हाइजीन का ध्यान रखना है। आप चाहें तो एनल डूशिंग भी कर सकते हैं, मतलब आप अपने एनल एरिया में बहुत सारा पानी डालें इसको करने से पहले, क्योंकि एक्चुअली आपका जो फीसेस है, मतलब आपका जो पॉटी एरिया है, वो आपको बहुत सारे इन्फेक्शंस दे सकता है। रिम जॉब को तब ना करें जब आपके पार्टनर को वहां पर कोई फिशर या कोई सोर या किसी भी तरीके का घाव हो। साथ साथ के लिए अगर उनको डायरिया या किसी भी तरीके की कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है तो आपने रिमिंग नहीं करनी है। आपने अपने हाइजीन का और अपने पार्टनर के हाइजीन का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। ये जरूर पूछना है कि लास्ट टाइम उन्होंने एचआईवी और एसटीडी ट्रांसमिशन का टेस्ट कब कराया था। उस दिन आपने रिमिंग अवॉइड करनी है जब आपके गले में कोई इन्फेक्शन या फिर खांसी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, ताकि उनको आगे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। हमेशा डेंटल डैम्स, जानना चाहते हैं क्या होता है इस वीडियो को देखें, डेंटल डैम्स का प्रयोग जरूर करें ताकि आपको किसी भी तरीके की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज ना हो। साथ साथ जिनके साथ आप रिम जॉब करते हैं उनके पार्टनर, मतलब मल्टीपल पार्टनर्स के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता होगा कि मैंने किसके साथ किया और कहां से इन्फेक्शन आया। तो इन प्रिकॉशंस को यूज हमेशा ध्यान में रखें अगर आप रिम जॉब करते हैं तो या करवाते हैं तो। कई लोग अपने फीमेल पार्टनर को ही मोटिवेट करते हैं कि वो उनको रिम जॉब दें, कई लोग मे बी किसी और के साथ एक्सपेक्ट करते हैं या अपने मेल पार्टनर के साथ इन्हें करना चाहते हैं। ये सेफ है, इसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं है, लेकिन बहुत सारे ओरल इन्फेक्शंस को ये बुलावा देता है। हमारा जो एनल एरिया है वो यूजली सेक्स के लिए नहीं बना है, पर डेफिनेटली वहां कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको सेंसिटिविटी देते हैं, आपको अराउजल देते हैं और एक अच्छा सेक्सुअल फीलिंग देते हैं। तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, बहुत लोग ट्राई करते भी हैं, लेकिन प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। और वीडियो लेकर आऊंगी, तब तक के लिए चैनल पे बने रहना है। कुछ टॉपिक है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख भेजें और इंस्टाग्राम फेसबुक पे कनेक्ट करें डॉक्टर नेहा ऑफिशियल। We'll be right back.